हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारी शरीर में जो भी सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं वो एक तय समय में होती हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी क्लॉक, यानी कि हमारी सर्केडियन रिदम, और इसके साथ साथ हमारे माइंड में भी एक मास्टर क्लॉक होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी क्लॉक, जैविक घड़ी, और ये कैसे काम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी जानेंगे कि अगर ये घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक से काम नहीं करती है, तो हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से हम अपनी बॉडी क्लॉक को वापस से रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होती है बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे हम जैविक घड़ी कह सकते हैं, या अगर हम लैटिन टर्म में बोलें तो सर्केडियन रिदम। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर हम एक ही समय पर सोते हैं या जागते हैं तो हमारी नींद उसी समय पर खुलती है और उसी तय समय पे हमें नींद आती है, या फिर भूख, हमें एक ही समय पर भूख क्यों लगती है। फ्रेंड्स, 24 घंटे की हमारे लगभग सभी एक्टिविटीज़, जैसे सोना, जागना, भूख का लगना, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डाइजेशन, या हमारे बॉडी टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, लगभग ये सभी एक्टिविटीज़ एक साइक्लिक फॉर्म में होती हैं और इन सबको कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता है सर्केडियन रिदम, यानी कि हमारी बॉडी क्लॉक के द्वारा। सर्केडियन रिदम एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अराउंड अ डे, तो जिस तरह से हमारा एक पूरा दिन दिन रात 24 घंटे के होते हैं, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सन से ऑपरेटेड होती है, सनलाइट के हिसाब से काम करती है, इसीलिए ये सारा जो पूरा प्रोसेस है हमारी बॉडी क्लॉक का, ये भी 24 घंटे के एक साइकिल के फॉर्म में होता है। सो सर्केडियन रिदम क्या है? सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी का एक 24 आवर्स का एक साइकिल है। हमारी लगभग सभी एक्टिविटीज जो एक साइक्लिक फॉर्म में होती हैं, उन सब को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, क्यों? और इस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है हमारे ब्रेन की मास्टर क्लॉक, जो कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे होती है, और ये गवर्न होती है सनलाइट से। और क्योंकि हमारी जो डे एंड नाइट साइकिल होता है 24 घंटे का होता है, इसीलिए हमारी ये जो सर्केडियन रिदम है ये भी 24 घंटे की होती है। एक पूरा जो साइकिल होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से हमारी ये मास्टर क्लॉक हमारी सर्केडियन रिदम को, हमारी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है, और खुद ये किस तरह से मास्टर क्लॉक सनलाइट के हिसाब से काम करती है। सो जब सनलाइट हमारी आईज़ के थ्रू हमारी आई के रेटिना की गैंग्लियन सेल पे पहुंचती है, तो वहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं। ये नर्व इम्पल्स पहुँचते हैं हमारे ब्रेन के एक छोटे से सेंटर हाइपोथैलेमस में, और वहाँ होती हैं एक बहुत ही स्पेशल सेल्स जिनका नाम होता है सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस। ये है हमारी ब्रेन की मास्टर क्लॉक। तो हाइपोथैलेमस में हमारी एक्चुअल ये मास्टर क्लॉक होती है, जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पहुँचती है आईज़ की गैंग्लियन सेल के थ्रू कि एनवायरनमेंट में लाइट है या नहीं है। तो नेचुरली तो हमारी जो मास्टर क्लॉक होती है या सर्केडियन रिदम होती है, ये सनलाइट से गवर्न होती है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने ये जब लाइट्स का इन्वेंशन करा, हमारे चारों तरफ बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती हैं, और रात होने के बाद भी हम अपने आसपास बहुत सारी जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उसमें काम करते हैं। तो जब हमारे एनवायरमेंट में लाइट होती है तो हमारे आइज़ के थ्रू, गैंग्लियन सेल के थ्रू सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस तक ये मैसेज जनरेट होता है कि यहाँ एनवायरनमेंट में अभी बहुत सारी लाइट अवेलेबल है। और इसीलिए जब एनवायरनमेंट में लाइट होती है तो सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस से पीनियल ग्लैंड को ये मैसेज जनरेट होता है कि अभी एनवायरनमेंट में बहुत सारी लाइट अवेलेबल है, अभी मेलाटोनिन के सीक्रेशन का टाइम नहीं हुआ है, पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। और जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है मेलाटोनिन, उसका सीक्रेशन नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ अगर हमारे एनवायरनमेंट में डार्क है, जैसे कि अगर नेचुरली हम बात करें सनसेट होता है, तो फिर सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो ये सिग्नल जनरेट करती हैं पीनियल ग्लैंड के लिए कि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अब ये समय है सोने का। तो जब मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये हमारी स्लीप को इंड्यूस करता है, हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। तो इसलिए हम सबको ये पता होना चाहिए कि सोने के लिए और अच्छी नींद सोने के लिए हमें मेलाटोनिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्लीप को प्रमोट करता है, और वो तब आता है जबकि आइज़ के थ्रू ये मैसेज आता है कि हमारे एनवायरनमेंट में अंधेरा है।
एंड अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि हमें जो नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है मेलेटोनिन, वो लाइट्स की वजह से सप्रेस होता है और इसीलिए हम अच्छी नींद सो पाते और समय पर नहीं सो पाते। और हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि सही समय पर, तय समय पर सोना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वंस अगर हम अपने इस बायोलॉजिकल क्लॉक को, हमारे इस सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं, हम तय समय पर नहीं सोते हैं, तो हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। ना सिर्फ स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, हमारी जो पूरी जो पीरियोडिक एक्टिविटीज़ हैं, सारी जो सर्केडियन रिदम है, सभी इंटरनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी। और इसीलिए हमारे लिए एक तय समय पर सोना और एक तय समय पर जागना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय पर सोते नहीं हैं या एक तय समय पर जागते नहीं हैं, तो इस आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है। ना सिर्फ आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। बहुत सारे लोग जो शिफ्ट्स में काम करते हैं या फिर जो लोग देर रात तक जागते हैं, अपने दूसरे काम करते रहते हैं या फिर मोबाइल्स या टीवी देखते रहते हैं, ये उनकी बॉडी क्लॉक को, बायोलॉजिकल क्लॉक को, उनके स्लीप वेकिंग सिस्टम को तो डिस्टर्ब करता ही है। ओवरऑल उनकी हेल्थ डिटीरियरेट होती है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि अगर हम अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं, हमारी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, हमारे स्लीप का ड्यूरेशन डिस्टर्ब होता है, हम लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो आप अगले दिन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस, आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी मेंटल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वंस अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, आप रात को ठीक से नहीं सो पाए, तो आप दिन में अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपकी फोकस, आपकी अटेंशन पावर, आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी सफ़र करती है। इनफैक्ट आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो होगी। एंड इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्बेंस की वजह से हार्ट डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है, पर्सन को हाइपरटेंशन एंड हाई बीपी रहने लगता है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी समझना है कि हमारी जब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, हमारी जो बॉडी के इंटरनल सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हमारी डिजेस्टिव एक्टिविटीज़, पाचन संबंधी जो हमारी सारी फंक्शंस हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसकी वजह से पर्सन को पेट संबंधी बीमारियां रहने लगती हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, उनमें मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, उन्हें बात बात पर इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंड ये हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है एंड ओवरऑल हमारी लाइफ की हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय करता है। सो जिस तरह से हम अपनी इस घड़ी को सही समय पे रखते हैं, तय समय पे हम उसके अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम एंड हमारी जो मास्टर क्लॉक है, उसको भी एकदम एक्यूरेट सेट रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हुई, हमारी मास्टर क्लॉक डिस्टर्ब हुई, तो हमारी पूरे बॉडी की जो सारी साइक्लिक प्रोसेसेस हैं वो बिगड़ जाएंगी, और एक बार हमारे इंटरनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, तो बीमारियां ही बीमारियां। और इसीलिए अगर हमें अपनी लाइफ में हेल्दी रहना है, तो हमें अपनी बॉडी क्लॉक को, सर्केडियन रिदम को एंड हमारी मास्टर क्लॉक को एकदम एक्यूरेट रखना है। और अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपकी बॉडी क्लॉक या जो आपके बॉडी फंक्शंस हैं वो एक तय समय पे नहीं होते, यानी कि आपको एक तय समय पे नींद नहीं आती है, या आप एक तय समय पे नहीं जागते हैं, या आपको भूख लगने का जो समय है वो तय नहीं है, तो ये एक वार्निंग है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को, अपनी सर्केडियन रिदम को रीसेट करना है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम अपनी बॉडी क्लॉक को, अपनी सर्केडियन रिदम को रीसेट कर सकते हैं अगर वो डिस्टर्ब हो गई है, तो वापस उसको हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।